फर्स्ट क्लास, जैसे कि लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था यूनिट वन का पार्ट वन ताजनगर, पार्ट टू सीतापुर लाइट। हमारा ये चैप्टर नंबर वन है अगेंस्ट द ऑड। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थ्री विच इज़ पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी। In Kerala, the Palakkad District Public Library has been set up and running since September 2013. तो Kerala के अंदर एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है पलक्कड़। तो वहाँ पे एक पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी नाम की लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का मतलब क्या है पता है ना आपको? लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पे बहुत सारी किताबें होती है, लोग वहाँ किताबें पढ़ने जाते हैं, किताबें बोरो करने लेने जाते हैं और वहाँ पे बैठ के पढ़ते भी है। लाइब्रेरी हैज़ बीन सेट अप एंड रनिंग सिंस सेप्टेम्बर 2013। सेप्टेम्बर 2013 में वो लाइब्रेरी चालू हुई और तब से वो चल रही है। It is a fine modern library, a center for information, knowledge, wisdom, cultural activities, research and reference. तो वो यहाँ पे ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे हमें सब किस्म की माहिती मिलती है, जानकारी मिलती है, विजडम पता चलती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या चल रहा है, कौन से कल्चर में क्या चल रहा है वो पता चलता है, रिसर्च वहाँ खोज क्या हो रही है और किसने की है वो सब पता चलता है। बट इट हैज़ अ रिसेंटली बीन इन द न्यूज़ फॉर डिफरेंट रीज़न। लेकिन हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में, वो चर्चे में है, न्यूज़ में, खबर में है डिफरेंट रीज़न, मतलब कोई अलग अलहदा रीज़न से, ठीक है। अ थर्ड ऑफ इट्स 1000 मेम्बर्स आर वुमन। उसके जो 1000 मेंबर है, जैसे कि एक लाइब्रेरी में 1000 मेंबर है तो उसके 1/3, एक तिहाई कौन है? औरतें हैं। दिस वुमन सपोर्टेड बाय द शेड स्पेस द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफर देम लॉन्च अ वुमन्स यूनिट इन फेब्रवरी 2014। तो वहाँ के लाइब्रेरी के जो इंचार्ज, लाइब्रेरी जो बनाने वाले थे, उन्होंने फेब्रवरी 2014 में, 2014 फेब में उन्होंने क्या किया कि जो वुमन औरतें थी, औरतों के लिए एक अलग सेपरेट रूम या सेपरेट जगह दे दी तो वहाँ वो पढ़ सके। द यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस मेथड्स ऑफ एम्पावरिंग वुमन। और वहाँ पे वो जो यूनिट थी वहाँ किस लिए मिलती थी वो जगह पे, कि वो उनको ये देखना था कि अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके जिससे वुमन, औरतें एम्पावर, एम्पावर मतलब औरतों को अपना हक दिलाना, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना सिखाना, तो उसको हम बोलेंगे एम्पावरिंग वुमन। द लाइब्रेरी ओपन इट्स हॉल्स फॉर फिल्म स्क्रीनिंग, वर्कशॉप इन होम इकोनॉमिक्स और गार्डनिंग, चाइल्ड केयर और द आर्ट्स, एंड फॉर वुमन टू गेट हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, लीगल डिस्प्यूट्स एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम। तो लाइब्रेरी इसलिए भी खुली, एक हॉल बना जहाँ पर एक ऐसा कमरा भी था लाइब्रेरी में जहाँ पे फिल्म स्क्रीनिंग मतलब पिक्चरों की स्क्रीनिंग, पिक्चर दिखाई जाती थी, वर्कशॉप इन होम इकोनॉमिक, घर में कैसे पैसों का देखभाल करना है, कैसे पैसों इकोनॉमिक मतलब पैसे संभालने हैं, खर्च करने हैं, वो सिखाया जाता था। और गार्डनिंग, गार्डनिंग मतलब पौधे कैसे उगाने वो सिखाया जाता था। चाइल्ड केयर और द आर्ट, बच्चों की देखभाल कैसे करनी या फिर आर्ट, आर्ट में कैसी रुचि रखनी। एंड फॉर वुमन टू गेट रीड इन मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, और ऐसी औरतें जिसके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो उसको कैसे संभाला जाता है। एंड प्रोफेशनल लीगल डिस्प्यूट, ऐसी लड़ाई जो बहुत ही लीगल है। एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, तो अपने करियर को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके कोई भी मसला आता है तो उसके बारे में वो बात करते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट दैट थ्रू रीडिंग वुमेन वुड रियलाइज देयर ओन स्ट्रेंथ एंड फोर्स अ यूनिटी। तो वहाँ के जो लाइब्रेरी के जो सेक्रेटरी थे तो उन्होंने ये देखा कि अगर औरतें पढ़ेंगी, औरतें रीड करेगी, जितना ज़्यादा रीड करेगी उतना ज़्यादा उनको एहसास होगा अपनी ओन स्ट्रेंथ का। ओन स्ट्रेंथ मतलब अपनी
शक्ति का एंड फोर्ज अ यूनिटी, और वो अपनी खुद की शक्ति बाहर निकालेंगे और अपना खुद की यूनिटी तैयार करेंगे। इट वॉज नोटेड दैट द लर्निंग लाइब्रेरीज ऑफ अर्लियर टाइम्स वर डिसअपियरिंग एंड द प्रेजेंट रूरल रीडिंग रूम्स वर टू ऑफन फुल ऑफ ओनली मेल रीडर्स। तो ये देखा जा रहा है जो पहले की लाइब्रेरीज थी वो अब बंद होती जा रही है, डिसअपियरिंग मतलब गायब होती जा रही है। एंड द प्रेजेंट रूरल रीडिंग रूम्स वर टू ऑफन फुल ऑफ ओनली मेल रीडर्स। तो अभी जो लाइब्रेरी है तो उसके जो कमरे हैं वो तो ज़्यादातर मेल मतलब मेल रीडर से भरे हैं, लड़कों से भरे हैं। The unit discussed that if the once varied women of Kerala continued to squander their hour in front of television, तो यूनिट ने ये भी डिस्कस ये भी बातें की कि एक बार जब अच्छी पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं केरला की, उन्होंने अपने घर के सामने टीवी के सामने बैठना चालू कर दिया, तो इट वुड एनकरेज अ क्लाइमेट इन विच वुमन आर अफ्रेड टू गो आउट आफ्टर डार्क। तो फिर ऐसा माहौल घर में बन जाएगा कि औरतें घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगी, उनको बाहर निकलने के लिए डर होगा। सो द यूनिट हैज़ फॉर्मुलेटेड प्लान्स ऑन ओपनिंग सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वुमन। इसलिए वहाँ की जो लाइब्रेरी थी पलक्कड़ लाइब्रेरी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक अलग सेपरेट मतलब अलग कमरा बनाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ औरतें आएंगी और औरतें ही बुक्स पढ़ेंगी, औरतें ही रीड करेंगी। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टैंड्स टॉल एज अ बीकॉन टू एनकरेज वुमन एम्पावरमेंट थ्रू क्लासेस क्लब वर्कशॉप एंड रीडिंग रूम्स। तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है वो क्यों खड़ी हुई है, क्योंकि उनको जो औरतें थी उनको एनकरेज उनको बढ़ावा देना है, औरतों के एम्पावर औरतों के हक के लिए लड़ना सिखाना है, औरतों के राइट उनका जो राइट क्या है उसके लिए थ्रू। और वो कैसे होगा, अलग अलग क्लास देके क्लब बना के वर्कशॉप उनको वर्कशॉप देके सिखा के कि क्या कैसे करना है एंड रीडिंग रूम्स और अलग कमरा देके। एंड देन देर आर द बुक्स विच विल प्रोवाइड द वुमन द स्ट्रेंथ दे नीड टू मेक गुड यूज़ ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़। और वहाँ पर ऐसी बुक्स रखी गई है, ऐसी किताबें हैं जो वो देखती है जो वुमन को प्रोवाइड करे कि जो ये लिखा हो कि जो औरतें हैं उनकी जो शक्ति है वही काफ़ी है कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए। दे नीड टू मेक गुड यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, बस उनको ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, इतनी जो फैसिलिटी इतना जो फैसिलिटी मिलती है उसको अच्छे से यूज़ करना बनता है।